बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सवाल हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में जो आपके साथ शेयर करेंगे। 8th क्लास का पहला चैप्टर जो है इकोलॉजी के, तो ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मगर ये एग्जैक्ट पेपर वाले हो सकते हैं आपके लिए, तो इसलिए इनके जवाब जो हैं वो साथ साथ ही हैं, तो हम इनको रीड करते हैं जी। पहला हमारे पास जो सवाल है वो दिया गया है जी, माहौल में मौजूद बेजान चीज़ों को कहा जाता है एबायोटिक। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे डैश एनर्जी हासिल करते हैं जी सूरज से, यानी कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए खुराक बनाने के लिए किससे एनर्जी हासिल करते हैं? सूरज से। इंसान और कुछ जानवर पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, कहलाते हैं ओमनिवर्स, यानी कि ऐसे जानवर जो जानवरों को, यानी कि इंसान और जानवर जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो पौधों को भी खा लेते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं, तो उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं। मुर्दा ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं जी, मुर्दा ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिस ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, जिंदा जानवरों को वसील इकसाम कहा जाता है जी। हमारे पास बायोडावर्सिटी यानी कि वाइड वराइटी इन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे पास बायोडावर्सिटी कहलाती है। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड पीएच मेक्स ये हमारे पास एक बायोटिक माहौल जो है वो बना देते हैं। एक फूड कम्युनिटी में हयातियात जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सी है जी? फंजाई। एक फील्ड कम्युनिटी में हयातियाती जो है वो हमारे पास फंजाई है। जिस जानवर का शिकार किया जाता है कहलाता है शिकार, और जो शिकार करने वाला होता है उसे हम कह देते हैं जी प्रीडेटर, यानी कि शिकारी। वो ऑर्गेनिज्म जो जिसमें जिसको शिकारी खाते हैं उसे हम कहते हैं जी शिकार। जहाँ दो स्पीशीज इकट्ठे रहते हैं उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। वो अमल जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का बायस नहीं बनता तो वो है जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो अगला हमारे पास सवाल है जी, माहौलियाती निज़ाम में किसी जानवर जानदार की खुराक की सतह को कहा जाता है जी उसकी फूड चेन। और उसके बाद जी, द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय सूरज की तवानाई जो है उसको कीमी तवानाई में कौन तब्दील करता है जी? वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। 14वां सवाल है जी हमारे पास, जहर और ख़तरनाक चीज़ जो माहौल को ज़िंदगी के लिए नुकसानदार बनाती है वो है जी हमारे पास हवाई आलूदगी। 15वां जी हमारे पास, ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना कहलाता है जी माइग्रेशन। वो जानदार जो पौधे से बराह रास्त खुराक लेते हैं उसे हम कहते हैं जी हर्बीवोर्स, यानी कि वो पौधे जो पौधे वगैरह जो पौधों को खाते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फूड चेन्स मिलकर बनाती हैं जी फूड वेब्स बना देती हैं। कुछ शिकारी और शिकार और शिकारी अपने आप को छुपाने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं जी कैमोफ्लेज। वो जानदार जो पौधे और जानवर दोनों को खा जाते हैं उसे हम कहते हैं ओमनिवर्स। ये हमारे पास पीछे भी आया था। जानवर अपनी नस्ल की बका के लिए यकीनी बनाते हैं जी तावन को, यानी कि कोऑपरेट करते हैं जी। सहरा में जो दिन को बहुत गर्म और रात को बहुत सर्दी होती है उसे कहलाता है जी सहारा सहरा। और उसके बाद जी हमारे पास लिविंग थिंग विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास, शेर, चीते और अकाब अपनी खुराक को दूसरे जानवरों पर इन्हसार करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं जी कार्निवोर्स। फॉसिल्स फ्यूल्स के जलने के दौरान कौन सी गैस जो है वो खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब हम आग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फूड चेन शुरू होती है जी, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। कौन सा अमल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस नहीं? फोटोसिंथेसिस। एक इकोसिस्टम में जानवरों के लेवल को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो जानवरों के गज़ाई तल्लुकात को ग्राफ को ज़ाहर किया जाता है इकोलॉजिकल पायरामिड से। फूड चेन बाहर मिलकर बनाती हैं फूड वेब। सूरज जो है जी हमारे पास उसकी केमिकल एनर्जी में जज़ब होती है तो उसे हम कहते हैं जी प्रोड्यूसर करते हैं। वो कंज्यूमर्स जो मुस्तदी से दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उसे हम कहते हैं शिकारी। तो आपके साथ जो गेस्ट पेपर है जी वो हम शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपके साथ अहम सवालात जो हैं वो भी शेयर किए जाएंगे।